अच्छा जीवन पाना, अच्छा जीवन जीना, जीवन में अच्छा करना और जीवन को अच्छा बनाना, ये चार बातें विगत दिनों से आप सबके मध्य चल रही है। जीवन हमने पाया और वे लोग भाग्यशाली हैं जो अच्छा जीवन जी लेते हैं, लेकिन केवल अच्छा जीवन जीना मात्र पर्याप्त नहीं है। अच्छा जीवन के संदर्भ में हमने दो दिनों काफी प्रकाश डाला। हमने बुरा कर्म नहीं किया, ये अच्छे जीवन के लक्षण हैं। गलत काम न करना ही अच्छा जीवन की पहचान है, ये हमने कर लिया, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। हमने अपने दामन में नया दाग नहीं लगाया, ये तो अच्छी बात है, पर पुराने दाग को छुड़ाए बिना दामन साफ कैसे होगा? उसे छुड़ाना भी जरूरी है। अरे वो कब होगा? जब हम अच्छा करेंगे, और जब हम अच्छा करेंगे तभी अच्छा बनेंगे। अब थोड़ा देखिए मैं क्या अच्छा कर रहा हूं, अपने जीवन में मैं अच्छा क्या कर रहा हूं। हमारे पास चार शक्तियां हैं, शरीर की, बुद्धि की, मन की और धन की। शरीर की, बुद्धि की, मन की, धन की, ये चार शक्तियां तुम्हारे पास है कि नहीं है? अच्छा शरीर पाया, स्वस्थ शरीर पाया, अच्छी बुद्धि पाई, अच्छा मन पाया, और जितने हैं सब धन से भी संपन्न है। पर इन चारों का प्रयोग कैसा है, महत्वपूर्ण ये जानना है। शरीर से अच्छा करने का मतलब त्याग तप संयम आचरो। अपने शरीर से तुम क्या कर रहे हो? मौज मस्ती भोग विलास में अपने शरीर को खपा देते हो। निज पर के देह जन सुख भोगने के लिए मनुष्य अपने आप को पूरी तरह खपा देता है। संत कहते हैं इस शरीर को पाकर कुछ ऐसा करो कि तुम शरीरातीत बन सको। ये तन मिला है किस लिए? किस लिए? तप करने के लिए ना। पर कर क्या रहे हो? पुष्ट कर रहे हो। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, काना पौड़ा मिला, पड़ा हाथ यह चूसे तो रोए, फले अनंत जु धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। याद तो है आप लोगों को? सबसे बड़ी विचित्रता तो यह है कि आप सबको पता सब कुछ है, फिर भी किसी को कुछ पता नहीं। इस शरीर को पौड़ा पौड़ा बोलते गन्ने को, और गन्ने में काना पौड़ा होता है जिसमें रस नहीं होता, चूसने में मसूड़े और छिल जाते हैं। तो तेरे हाथ में पौड़ा यानी गन्ना मिला, ऐसा छोटे गन्ने को पौड़ा बोलते हैं, जिसको चूसोगे तो रस नहीं है, मसूड़े छिल जाएंगे, लेकिन उसी को अगर बो दिया जाए तो पूरे गन्ने का पेड़ तैयार हो जाता है। तो
तो कह रहे काना पौड़ा पड़ा हाथ, ये शरीर तुम्हें काना पौड़ा की तरह मिला है, इसको चूसे तो रहे, इसका भोग करोगे तो दुखी होगे। और फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय होवे, यदि अपने शरीर को धर्म ध्यान में लगा लोगे तो तुम्हें केवल ज्ञान का अनंत फल प्राप्त होगा। क्या कर रहे हो? शरीर को पुष्ट मत करो, शरीर से काम लो, अच्छा करना चाहते हो तो शरीर से काम लेना शुरू करो, शरीर के स्तर पर अच्छा कर्म त्याग तप संयम की आराधना है। अपने भीतर झांक कर देखो इनके प्रति तुम्हारी क्या स्थिति है। गुरुदेव दो लाइनें सुनाते थे कि चेहरे पर चेहरे हैं बहुत बहुत गहरे हैं, चेहरे पर चेहरे हैं बहुत बहुत गहरे हैं, पर त्याग और तप के क्षेत्र में गूंगे और बहरे हैं। क्या है ये? तुम्हारे व्यक्तित्व को विकलांग बना देगा। लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए, आप सम्मित शिखर जैसी पावन भूमि पे पधारे हो। यहां हमने क्या सीखा, क्या जाना? सभी तीर्थंकर परमात्माओं ने अच्छा जीवन पाया, अच्छा जीवन जिया, पर उतने में संतुष्ट न होकर उनने अच्छा किया और अपने जीवन को अच्छा बनाकर परम निर्वाण पाया। उनने क्या किया? राज भोगा, संपदा भोगी, क्या किया? सबका त्याग किया। सोचो, कुछ लोग कहते हैं अरे जिनको कमी हो वो धर्म करे, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें क्या जरूरत है। आज के नए नए छोरे ज्यादा बोलते हैं, जिनको कमी हो वो धर्म करे। मैं उनसे पूछता हूं तीर्थंकरों और चक्रवर्तियों के जीवन को देखो, उनके पास क्या कमी थी? आज दुनिया के जितने धनपति हैं चक्रवर्तियों के चपरासी बराबर भी नहीं होंगे, पर वो सब कुछ होने पर धर्म किए। ध्यान रखना, जिसके पास कुछ नहीं है वो धर्म करेगा तो शायद धर्म ना फले, पर सब कुछ होने के बाद जो धर्म करेगा उसका धर्म पक्के तौर पर फलता है। क्योंकि एक धर्मी को ये पता है कि कहने को मेरे पास सब कुछ है पर मेरा कुछ भी नहीं है, यही समझ तो धर्म की प्रेरणा है। कहने को मेरे पास सब कुछ है पर मेरा कुछ भी नहीं है, क्या है तुम्हारा बोलो? है? फिर जीवन के सत्य को समझो। शरीर पाया है तो शरीर पाकर अच्छा करने का संकल्प लो। येने देहेन विवेकहीना संसार बीजम परिपोषयन्ति, तेने देहेन विवेक भाजा संसार बीजम परिशोषयन्ति। जिस शरीर को पाकर अविवेकी अज्ञानी लोग संसार को पुष्ट करते हैं,
ज्ञानी विवेकी उसी शरीर से संसार को नष्ट करते हैं। अपने अंदर झांको, देखो, सवाल करो कि मैं संसार को बढ़ाने में लगा हूं या संसार को मिटाने में। कहां लगे हो बोलो, हाँ? और मोक्ष भूमि में आए हो निर्वाण लाडू चढ़ाने को। बातें मोक्ष की और तैयारी संसार की, कैसे कल्याण होगा? होगा क्या? तो संत कहते हैं अब संसार को बढ़ाने में नहीं, संसार को मिटाने में लगो। बहुत दुख भोगा है, अच्छा करो, शरीर के स्तर पर अच्छा करो, बुद्धि के स्तर पर अच्छा करो। बुद्धि तो तुम्हारे पास है, और आजकल के लोगों की बुद्धि तो और सूक्ष्म बुद्धि हो गई है, टेक्निकल माइंड। क्या? टेक्निकल माइंड। लोग बहुत शार्प हो रहे हैं, सूक्ष्म बुद्धि। बुद्धि पाकर क्या करो? बुद्धि मिली है तो सद ज्ञान की आराधना करो और ज्ञान का प्रचार करो। अपनी बुद्धि को कहां खपा रहे हो? व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और क्या है? और भी कुछ है? यही है ना, और भी कोई तो नया नहीं निकल गया? हाँ, और भी है, क्या है बता दो। हाँ, टेलीग्राम, हाँ, स्नैपचैट, ये सब क्या है? अपनी बुद्धि को कहाँ खपा रहे हो? अच्छा कर रहे हो या बुरा, तय करो। दुर्लभ शक्ति तुम्हें प्राप्त हुई, बुद्धि की महिमा को जानना चाहते हो तो थोड़ा उनकी तरफ नजर देख रख दौड़ाओ जो मनुष्य होकर के भी निर्बुद्धि हैं। किसी मंद बुद्धि के विद्यालय में जाकर देखो कैसे कैसे संस्करण मिलेंगे। शरीर तो बढ़ गया, दिमाग जहां का था। कभी सोचा उनको देखकर कि कहीं इनकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता? आज उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया, आज वो निर्बुद्धि हुए। तुम्हारी बुद्धि है और तुम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे, कल तुम्हारा क्या हाल होगा? कभी सोचा? बुद्धि मिली है, भाग्यशाली हो। परम पुण्य के परिणाम स्वरूप तुम्हें ये बुद्धि प्राप्त हुई। तो इस बुद्धि को सही दिशा में लगाओ ना, रचनात्मक दिशा देना ही बुद्धि के स्तर पर अच्छा करना है। ज्ञान की आराधना करो और ज्ञान का प्रचार करो। आजकल लोग बोलते हैं हमको समझ में नहीं आता, मुझे ऐसे लोगों की बात समझ में नहीं आती जिनको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सूक्ष्म से सूक्ष्मतर विषय को जानने की बुद्धि है। उन्हें हमारे आचार्यों की साधारण सी बात समझने की बुद्धि न हो, ये बात हजम होने लायक नहीं है। सब समझ में आ सकता है बशर्ते तुम्हारे हृदय में अभी रुचि हो। रुचि तो जगाओ। जिस दिन तुम्हें ठान लोगे कि मुझे बुद्धि के स्तर पर अच्छा करना है, अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि बनाए रखना है और उसका सही लाभ लेना है, अपने आप रास्ता निकलेगा। आज भी ऐसे लोग हैं जिनको बाकी बातें व्यर्थ लगती है, वो इनमें ही रमे रहते हैं और हर पल खुश रहते हैं। लक्ष्य अच्छा करने का हो,
तो रास्ता अपने आप बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या करूं, तुम लोगों ने सूक्ष्म बुद्धि तो पाली पर दुर्भाग्य है शुद्ध बुद्धि नहीं पा पाए। सूक्ष्म बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि हो जाए तो बेड़ा पार है, शुद्ध। अभी बुद्धि तुम्हारी अशुद्ध है। लोग कहते उल्टी खोपड़ी है, कहते हैं ना, ये उल्टी खोपड़ी किसको बोलते हैं? कोई ऐसा आदमी दिखा जिसका चेहरा इधर की जगह इधर हो, हाँ, लेकिन फिर भी उल्टी खोपड़ी लोगों की कमी तो नहीं है ना? हो सकता है तुम्हारा भी किसी उल्टी खोपड़ी से पाला पड़ा हो, हाँ? किसको बोलते हैं उल्टी खोपड़ी, हाँ? हाँ, जिसकी बुद्धि उल्टी हो वो उल्टा खोपड़ी, जिसके हृदय में दुर्बुद्धि हो उसका उसको बोलते उल्टी खोपड़ी। बहुत तेज चलती है, हाँ, बहुत तेज चलती है। एक बार ब्रह्मा जी के पास, दो मिनट में सुनाता हूँ, बहुत पुरानी कहानी याद आई आज। ब्रह्मा जी के पास आदमी के विशेषता की बात आई तो कहा गया कि आदमी की खोपड़ी इतनी तेज है कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई ऐसी कौन सी बात है जो तुम आदमी की खोपड़ी की इतनी प्रशंसा कर रहे हो? आदमी की खोपड़ी भला इतनी तेज क्यों हो गई? बोले, अवसर दो तो आपके सामने प्रस्तुत कर दो, प्रस्तुत कर दो। ठीक है, गया मर्त लोक में आया उनका दूत, और एक आदमी से कहा कि तुम्हारी खोपड़ी पर ब्रह्मा जी को शोध करना है, तुम्हारी खोपड़ी पर ब्रह्मा जी को शोध करना है तो तुम अपनी खोपड़ी दे दो। उसने कहा, खोपड़ी तो मैं दे दूंगा पर तुम मुझे खोपड़ी, मेरी खोपड़ी ले जाओगी तो मैं जिंदा कहाँ बचूंगा? तो चलो खोपड़ी पे, मेरी खोपड़ी पे ब्रह्मा जी को शोध करना है तो मुझे ही ले चलो, मुझे ले चलो। उसको लगा बात तो ठीक है, वो ले गया। अब जब यमदूत ले गया, ब्रह्मा जी के सामने उसको प्रस्तुत किया गया, बोले इसको क्यों ले आए? बोले आपके शोध को पूरा करने के लिए। इसी बीच आदमी ने बोला, भगवान आपका नियम टूट गया, आपके कानून का उल्लंघन हो गया, और इस कानून के उल्लंघन का जुर्म आपका है। बोला आपका अब तक का नियम था कि मुर्दे को आप अपने पास बुलाते, मुझ जिंदा को क्यों ले आए? आपका ये यमदूत मुझे जीवित अवस्था में क्यों लाया? अभी मेरी आयु थी, मेरा समय नहीं आया था, आपने मुझे क्यों बुला लिया? ब्रह्मा जी ने यमदूत से कहा, भैया बात तो सही है, तुम्हें जिंदा को नहीं लाना था, मुर्दे को लाना था। तो कहा, हजूर आपने कहा इसलिए मैं लिया। तो ब्रह्मा जी खुद फंस गए, बोले गलती तो हुई, गलती तो हुई। तो ब्रह्मा जी ने कहा, गलती तो हो गई, क्षमा करो। बोले ऐसे कैसे क्षमा करे, छोटे आदमी की गलती को बड़ी आसानी से क्षमा किया जा सकता है पर बड़े व्यक्तित्व की गलती को ऐसे क्षमा नहीं कर सकता मैं, आपको तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। बोले भैया ठीक है, हाथ जोड़ता हूं, बोल तो क्या हुई गलती, क्षमा कर दे। बोले हाथ वाथ नहीं जोड़ना, अगर आप इस गलती की क्षमा करना चाहते हैं तो एक ही चीज है, 7 दिन के लिए पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में दे दो, क्योंकि मैं आपका सिस्टम ठीक करूंगा, आपके यमदूत लोग ठीक काम नहीं करते, मुझ जैसे जिंदा को ले जाते। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है भैया, 7 दिन की मोहलत तुझे दी,
वो 7 दिन तक पूरी व्यवस्था अपने हाथ में लिया और 7 दिन ऐसा किया कि जितने मरे सबको स्वर्ग पहुंचा दिया, एक को भी न रखने। अब स्वर्ग में भीड़ बढ़ गई, ब्रह्मा जी को फिक्र हुई कि ये क्या हो रहा है, जो आ रहा है सब स्वर्ग ही जा रहा है, स्वर्ग ही जा रहा है, मामला क्या है। तो बोला महाराज अब कुछ नहीं कर सकते, आपने उसको बिठा दिया, अब तो 7 दिन तक झेलना ही पड़ेगा। 7 दिन पूरे हुए, ब्रह्मा जी ने माफी मांगी, बोला भैया माफ करो, तुम्हारे हाथ में 7 दिन दिया तो ये कमाल हो गया, अगर पूरा दिन देता तो मुझे ही जगह नहीं मिलती। भैया अब तुम्हारा समय हो गया, तुम जाओ। वो आदमी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके जाने लगा और धीरे से कहा, महाराज आदमी की खोपड़ी समझ लिए ना, आदमी की खोपड़ी समझ ली, अब आपको शोध करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी खोपड़ी है, एक घटना काल्पनिक है लेकिन इसका तथ्य सत्य है। आज अगर कोई ऐसी व्यवस्था ब्रह्मा जी बना दे, अच्छा है, ब्रह्मा जी ने अपने आप को ज्ञाता दृष्टा बना लिया, वो इन चक्करों में पड़ते नहीं क्योंकि उन्हें मालूम है आदमी बहुत खतरनाक प्राणी है। अपनी खोपड़ी को उल्टी खोपड़ी मत बनाओ, शुद्ध बुद्धि के धनी बनो, उल्टे काम में दिमाग चलाओगे तो उल्टे बने रहोगे, और अच्छी दिशा में अपनी बुद्धि को लगाओगे तो उन्नति करोगे। तो शरीर के स्तर पर अच्छा करो, बुद्धि के स्तर पर अच्छा करो, मन के स्तर पर अच्छा करो। मन के स्तर पर अच्छा करने का मतलब क्या, मन में प्रभु भक्ति भरो और संयम में अनुराग। अपने मन से पूछो तुम्हारे मन में क्या है, भगवान है कि और कोई, भगवान ये बोल रहे 10 मिनट के लिए, भगवान के सामने भी कोई और डोलने लगता है, क्या है। मन का सही प्रयोग भगवान की भक्ति के लिए अर्पित करो, संयम के प्रति अनुराग लगाओ जगाओ, ये मन के स्तर पर अच्छा है। 24 घंटे तुम अपने मन से पूछो क्या क्या करते हो, भोग विलास और नाना प्रकार के पापाचार के अलावा तुम्हारा मन करता क्या है, इसे अच्छा कहेंगे या बुरा, बोलो हाँ बुरा ना, करना क्या है, थोड़ा जम से बोलो क्या करना है। कब जब तक आपके सामने बैठे तब तक। अच्छा करना है तो हृदय में भक्ति का भाव जगाओ, 24 घंटे में तुम्हारा मन भक्ति में कितनी देर, तुम्हारा मन संयम में कितनी देर, इसे निरखो। और जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो तो इस तरफ अपना समय बढ़ाओ, बाकी तरफ समय घटाओ, अपने आप तुम बदल जाओगे, तुम्हारी चेतना निखर जाएगी। जो अच्छा करता है वही अच्छा बनता है। बनना चाहते हो कि नहीं, हाँ तो अच्छा करो, संकल्पित हो जाए, समर्पित हो जाए, लक्ष्य बनाकर पुरुषार्थ करें, बढ़ाएं, ऐसे कार्यों के करने में जुट जाओ जो प्रसन्नता बढ़ाते हैं, चाहे तुम्हें ऐसा करने में अनेक कठोर दुखों की पीड़ा भी उठानी पड़े। अपने हृदय को कड़ा करो और अंत तक दृढ़ रहो। अच्छा करने के लिए जब तक कटिबद्ध नहीं होगे, कमर नहीं कसोगे, तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे मन में बुरा करने का संस्कार जमा हुआ है। वो तो अपने आप होता है, बुरा करने के लिए किसी से प्रेरणा लेने की जरूरत होती, किसी का प्रवचन सुनकर के बुरा करते हो, कोई ट्रेनिंग नहीं, पैदा होते ही सब आ जाता है, जन्म जन्मांतरों के संस्कार है। अच्छा करने के लिए संस्कार चाहिए,
तो मन को संकल्पित करिए, ठान लीजिए कि अब करके ही दम लेना है। मैंने अज्ञानता में अब तक जो किया सो किया, अब उस पर विराम लगाना है, क्योंकि मैंने अपनी दिशा मोड़ ली है और जिस दिशा में मैं बढ़ गया हूं केवल और केवल उसी दिशा में आगे बढ़ना, ये लक्ष्य बनाओ। आप लोग बोलते हो ना, पीछे मुड़के ना देख प्यारे आगे चल, बोलते हो कि नहीं बोलते? तो पीछे मुड़के ना देख प्यारे आगे चल, यही तो भगवान कहते हैं। दिशा बदल ली तो अब मुड़ना नहीं है, आगे बढ़ना है। कहां? अच्छा करने की दिशा में। तो शरीर के स्तर पर अच्छा करो, बुद्धि के स्तर पर अच्छा करो, मन के स्तर पर अच्छा करो, और धन की शक्ति पाए हो तो अच्छा करो। धन पाया, कल मैंने बोला था कमाना गवाना बचाना लगाना, अगर तुमने धन कमाया और गंवा दिया तो बुरा किया, धन कमाया बचाया और बचा के नष्ट कर दिया, बचा के ही रख लिया तो बुरा किया। अरे बचाया है तो लगाओ, उससे किसी और का जीवन बचाओ। धन का सदुपयोग निज पर के हित में विनियोग है। कमाते तो बहुत लोग हैं, पर अच्छे कार्यों में लगाने वाले लोग कम मिलते हैं। सुरा और सुंदरी के चक्कर में पैसा बहाने वाले लोग अनगिनत मिल जाएंगे, लेकिन अपने पैसे का सदव्यय करने वाले लोग बहुत विरल मिलते हैं। धन कमाकर अच्छा करो, धन कमाकर अभिमानी नहीं उदार बनो। अभिमानी व्यक्ति धनांध बन जाता है, वह धन की शक्ति का दुरुपयोग करता है, और उदार व्यक्ति नम्र बनता है, वो धन को जन जन के हित में लगा देता है। हर किसी के पास धन की शक्ति नहीं होती, पर यदि तुम्हारे पास है तो जितना है उसका सदुपयोग करना है, पाई पाई का सदुपयोग करना, ये लक्ष्य जगाओ। मुझे उसमें किंचित भी ढील नहीं देनी, एक एक पैसे का सदुपयोग करना, जब मौका है अच्छे कार्य में लगाने का तो चूकना नहीं, और बुरे कार्य का कितना भी आए तो उसे टालना है। मैं दो तरह के व्यक्ति को जानता हूं। एक व्यक्ति, देखिए अच्छे में अपना द्रव लगाने वाले लोग कैसे होते हैं। एक जगह एक गौशाला खुलनी थी, कुछ लोग गए एक सज्जन के यहाँ दान लेने के लिए। उन्होंने उन्हें चाय पीने का ऑफर किया, धर्मपत्नी चाय बनाने के लिए गई और 15-20 माचिस की तिली जल गई पर गैस नहीं सुलग पाई। पति ने सबके सामने डांट दिया कि ये क्या है, इतना अपव्यय करती तो 20 तिली एक चाय बनाने के लिए वेस्ट कर रही। सबको लगा कि हम रॉन्ग नंबर में डायल कर दिए हैं, जो 20 तिली के पीछे चार आदमी के सामने अपनी धर्मपत्नी को डांट दे वो क्या पैसा देगा। फिर भी बैठे रहे, उनने चाय पिलाई, और चाय पिलाने के बाद जब लोगों ने उससे पूछा कि आपकी क्या अपेक्षा है, तो बोला हम लोग गौशाला खोल रहे हैं और आपका सहयोग चाहते हैं। क्या सहयोग चाहते हैं? बोले 11,000 रुपया दे दीजिए। लोगों ने संकोच के सोचा, बोले इतने ही मांगो, ज़्यादा मिलने के चांस कम है। बोले 11 नहीं, आप हमसे 1,11,000 रुपया लीजिए, और तुरंत रुपये निकाल के दे दिए। 11 नहीं, 1,11,000 रुपये लीजिए, मुझे आप लोगों के बारे में पर्याप्त जानकारी है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे प्रसन्नता है, ये रुपया आप लीजिए। और मेरा एक निवेदन है
कि जब कभी कोई भी अच्छा कार्य हो मुझे जरूर याद करें, मैं अपने पैसे का सदव्यय करके खुश होऊंगा। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। लो एक ने पूछ लिया कि गजब, अभी आपने छोटी सी दिया सलाई के पीछे अपनी धर्मपत्नी को डांट दिया और आप, हमने 11 मांगा, आप 1/11 दे दिया। बोला सुनिए, हम पैसा कमाते हैं बहुत मेहनत से और उसमें पाप भी होता है, हम नहीं चाहते कि हमारे द्वारा कमाया हुआ का 1 पैसा भी व्यर्थ जाए, हम अपने 1-1 पैसे को सार्थक करना चाहते हैं, धर्म में लगाना चाहते हैं। एक उदाहरण ये है। और एक दूसरा उदाहरण, एक व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाने के लिए एक शहर के बड़े होटल में रहा, 4 दिन रहा। जिस होटल में रुका और जिस सूट में रुका उसका पर डे का चार्ज 90,000 रुपये था। 4 दिन में उसने 28,00,000 रुपया फूका। और उसी व्यक्ति से जब वो आया, दर्शन के लिए आया था और एक किसी जनहित के कार्य के लिए कहा गया, तो मुश्किल से 11,000 रुपया दिया। लोगों ने बोला कि आपको तो थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए। और उससे कमतर लोग 1-1 दिन के लिए पूरी व्यवस्था दे रहे थे, बकरशाला थी वहाँ, उसके लिए योगदान दे रहे थे, शायद सुदर्शन जी थे उसे। तो उन्होंने बोला पिताजी से पूछना पड़ेगा, 28 लाख फूंकने के लिए बाप से पूछने की जरूरत नहीं, पर 1,00,000 रुपया जनहित के कार्य में देने के लिए बाप से पूछने का बहाना बना रहे, ये कर्म फूटों की पहचान नहीं तो और क्या है। सुरा सुंदरी के चक्कर में लाखों बहाने के लिए लोग तत्पर रहते हैं, पर धर्म के क्षेत्र में जिनकी होनहार अच्छी होती है उनका ही द्रव्य लगता है। गुरुदेव ने एक दिन कहा कि धन का अर्जन कदाचित पुण्य के योग से हो सकता है, पर उसका सदुपयोग तप का फल समझना चाहिए। इसलिए धन पाया है तो अच्छा करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ, नहीं तो निधन तो होना ही है। अभी निधन होगा, कल निर्धन होगे। जो धन भोगते हैं वो अपने भावी दारिद्रता का प्रबंध कर रहे हैं, और जो धन का सदुपयोग कर रहे हैं वे अपने जीवन को अच्छा बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा बनाने का लक्ष्य रखिए, आगे बढ़िए, ये अवसर है। लोगों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है सोच का, लोग अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज का सूत्र यही है कि मुझे अच्छा करना है, बुराइयों से बच गए इतना पर्याप्त नहीं, अच्छाइयों को अपनाना, आगे बढ़ना, अपने चरित्र को निखारना, अपने व्यक्तित्व को निखारना। जब ये संकल्प तुम्हारे मन में जगेगा तभी भीतर से रूपांतरण होगा, और जब अच्छा करोगे तभी अच्छा बन सकोगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवार श्री विद्यासागर जी।